हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे रियलमी के जो नया हेडसेट है उसके बारे में। जी हाँ, रियलमी ने नया एक हेडसेट रिलीज़ किया है, वो लोग बोलते हैं रियलमी बड्स। जी मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है, आज हम इसका रिव्यू करेंगे। मैंने अभी से पिछले एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ। आज हम पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे कि इसे आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अभी जो मैं माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ, मैं रियलमी का यूज़ कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि इसका माइक्रोफोन कैसा है। तो चलिए इसका करते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग नहीं, अनबॉक्सिंग हेडफोन का क्या करूँगा, बता देता हूँ मैं इसका क्या मिलेगा एक्स्ट्रा। ये इसका पैकेजिंग है, बहुत ही अच्छा पैकेजिंग में आता है, और इसके साथ आपको दो ईयरबड मिलेगा एक्स्ट्रा, टोटल तीन है, एक तो हेडफोन के साथ रहेगा। ये है इसका पैकेजिंग, ऐसा रहता है हेडफोन, हेडसेट आता है आपका। इसके साथ आपको मिलेगा दो एक्स्ट्रा ईयरबड, टोटल तीन है, एक हेडसेट के साथ रहेगा, एक मीडियम, एक स्मॉल और एक लार्ज है। यूज़फुल है बहुत ही, पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया है। और ये रहा हेडफोन, देख सकते हैं आप लोग। ये मैं इसका माइक्रोफोन अभी यूज़ कर रहा हूँ, देखिए ये 45 डिग्री एंगल टिल्ट है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया फिक्स रहता है आपके कान ईयर पे। और ये है राइट साइड, तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। ये जो दूसरे हेडसेट की तरह या फिर मतलब आप लोग रखते हैं बैग में और बहुत ही घटिया तरीके से वो रह जाता है और उसे खोलने में हमें आधा वक्त चला जाए, लेकिन इसका जो वायर है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, प्लास्टिक ही है, तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अभी चलिए मैं इसे एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, मेन बात पे आते हैं। इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। मैं अभी पिछले 2-3 साल से सेनहाइजर का ये अपना देख सकते हैं मॉडल CX3002 यूज़ कर रहा हूँ। इसका रेट मैंने जब ख़रीदा था तो शायद 2,500 का रहेगा था, ठीक है। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो बहुत ही बढ़िया है। जी हाँ, रियलमी का हेडसेट साउंड इसका एकदम इसके बराबर ही देता है, तो आप समझ सकते हैं एक 2,500 रुपये का हेडसेट का साउंड क्वालिटी आपको 500 रुपये के हेडसेट पे मिल जाता है, तो और क्या कहना। यह इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया, नहीं कहूँगा कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और 500 रुपये में आपको मिलेगा भी नहीं ऐसा कुछ, लेकिन इसकी कीमत के हिसाब से इसके साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इसका जो ख़राब लगा है मुझे, उसका ये लगा है ये बटन, यह ये बटन बहुत ही रफ है, मतलब बहुत ज़ोर से प्रेस करना पड़ता है और पता भी नहीं चलता क्लिक हुआ है या नहीं हुआ है, कई बार मिस भी हो जाता है। तो इसका एक बैड साइड में बोलूँगा इस हेडसेट का। और इसमें माइक्रोफोन है, तो आप इससे कॉल भी अटेंड कर सकते हैं। और अब इसका माइक्रोफोन मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो आप बता सकते हैं कि इसका जो माइक्रोफोन क्वालिटी कैसा है। जी हाँ, पूरा इस वीडियो में इस माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसे मैंने फ्लिपकार्ट पे ख़रीदा है। अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। मेरा आज का वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, और प्लीज़ बताइएगा आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।